हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कड़ाही मशरूम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ली है मशरूम, गरम मसाला, टमाटर, नमक, हल्दी, ये प्याज है, प्याज का पेस्ट है, इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, सारी चीज़ें बीच में डाली हुई हैं, हरा धनिया, शिमला मिर्च कटी हुई, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अब हमने पैन को गर्म कर लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फ्लेम हमने हाई कर दिया है। ऑयल गर्म होने पे सबसे पहले इसके अंदर हमने प्याज का पेस्ट डालना है। इसको हमने ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेना है। ये हमारा मसाला भून चुका है, घी जो है वो छोड़ चुका है मसाला। अब इसके अंदर हमने टमाटर जो हमने रखा हुआ है कद्दूकस करके, इसको हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर कटी शिमला मिर्च ऐड कर दें, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा स्पाइसी खाना हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं तो हमारे मसाले के अंदर हरी मिर्च डाली हुई है। अब इसके अंदर गरम मसाला ऐड करें, इसको 5 मिनट के लिए भून लें। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसके अंदर हमने मशरूम डाल दिया। अब इसके अंदर हल्का सा पानी, कटा हरा धनिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक दें। 10 मिनट हो चुके हैं, ये हमारी मशरूम बनकर तैयार है। फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे अब एक बाउल के अंदर हम निकाल लेते हैं। इसमें कटा हरा धनिया डालकर इसको हम सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।